स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बच्चों के लिए खबर खास है क्योंकि सरकार के वलों स्कूलों की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। 9:30 बजे स्कूल लग्या करनगे, इस तो पहला कोई भी स्कूल नहीं लगेगा तो 3:30 बजे तक छुट्टी होया करेगी। तो वड्डी खबर है सरकार ने बदली स्कूलों की टाइमिंग, देरी दे नाल होया करेगी स्कूलों की छुट्टी, 9:30 बजे लगनगे सारे स्कूल। तो दस दिए कि मंत्री हरजोत बैंस जो कि सिक्ख्या मंत्री ने उन्होंने वालों ये ट्वीट करके जानकारी सांझी की गई है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के वालों ये हुक्म जारी किए गए हैं, सारे स्कूलों के लिए यह हुक्म लागू रहेंगे भावें वह सरकारी होवे प्राइवेट होवे ICSE बोर्ड या CBSE। 9:30 बजे सारे स्कूल लगनगे। विद्यार्थियों के अध्यापकों की सुरक्षा लिए यह अहम फैसला लिया गया है क्योंकि मौसम बदल चुका है, सड़कों पर धुंद वधनी शुरू हो गई है। तस्वीर तुम दिखा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट भी हो गए हैं, अगे भी तस्वीर खबर सामने आदि रहें स्कूली बस के एक्सीडेंट दियाँ। इस करके ये फैसला लिया गया, अध्यापक भी अपने घरों छेती निकलते हैं स्कूल पहुँचने के लिए तो वह भी कई हादसों का शिकार हो जाते हैं। इस करके ये अहम फैसला लिया गया है। तो हुण बच्चों के स्कूल 9:30 बजे लगनगे, 4 दिसंबर तो ये सारे हुक्म लागू होंगे तो 23 दिसंबर तक ये हुक्म जारी रहेंगे। 4 दिसंबर नूं बच्चों का स्कूल 9:30 बजे लगेगा तो 23 दिसंबर तक यही टाइमिंग चलेगी। 23 दिसंबर नूं दोबारा फैसला लिया जाएगा, मौका देख के वैदर किहो जिहा है। तो वड्डी खबर है हरजोत सिंह बैंस जो कि सिक्ख्या मंत्री ने उन्होंने लिखा है कि माणयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी के निर्देशों अनुसार सूबे के कुछ हिस्सों में पै रही संघड़ी धुंद अते मौसम तब्दीली कारण विद्यार्थी अते अध्यापकों की सेहत सुरक्षा के मद्देनज़र पंजाब सरकार वालों सूबे के सारी सरकारी एडिड मानता प्राप्त अते प्राइवेट स्कूलों के खुलण का समा सवेरे 9:30 बजे अते छुट्टी का समा 3:30 बजे कर दिता गया है। यह हुक्म सोमवार 4 दिसंबर 2023 तो 23 दिसंबर 2023 तक सारे प्राइमरी मिडल हाई और सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के एक सार लागू रहेंगे। तो वड्डी खबर है स्कूलों नू लैके, बच्चों नू लैके वड्डी खबर है, बच्चों की सुरक्षा ते अध्यापकों की सुरक्षा नू लैके सूबा सरकार दे वल्लों ये अहम फैसला लिया गया है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बच्चों के लिए यह खबर खास है क्योंकि सरकार के वलों स्कूलों की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। 9:30 बजे स्कूल लग्या करनगे, इस तो पहला कोई भी स्कूल नहीं लगेगा तो 3:30 बजे तक छुट्टी होया करेगी। तो वड्डी खबर है सरकार ने बदली स्कूलों की टाइमिंग, देरी दे नाल होया करेगी स्कूलों की छुट्टी, 9:30 बजे लगनगे सारे स्कूल। तो दस दिए कि मंत्री हरजोत बैंस जो कि सिक्ख्या मंत्री ने उन्होंने वालों ये ट्वीट करके जानकारी सांझी की गई है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के वालों ये हुक्म जारी किए गए हैं, सारे स्कूलों के लिए यह हुक्म लागू रहेंगे भावें वह सरकारी होवे प्राइवेट होवे ICSE बोर्ड या CBSE। 9:30 बजे सारे स्कूल लगनगे। विद्यार्थियों के अध्यापकों की सुरक्षा लिए यह अहम फैसला लिया गया है क्योंकि मौसम बदल चुका है, सड़कों पर धुंद वधनी शुरू हो गई है। तस्वीर तुम दिखा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट भी हो गए हैं, अगे भी तस्वीर खबर सामने आदि रहें स्कूली बस के एक्सीडेंट दियाँ। इस करके ये फैसला लिया गया, अध्यापक भी अपने घरों छेती निकलते हैं स्कूल पहुँचने के लिए तो वह भी कई हादसों का शिकार हो जाते हैं। इस करके ये अहम फैसला लिया गया है। तो हुण बच्चों के स्कूल 9:30 बजे लगनगे, 4 दिसंबर तो ये सारे हुक्म लागू होंगे तो 23 दिसंबर तक ये हुक्म जारी रहेंगे। 4 दिसंबर नूं बच्चों का स्कूल 9:30 बजे लगेगा तो 23 दिसंबर तक यही टाइमिंग चलेगी। 23 दिसंबर नूं दोबारा फैसला लिया जाएगा, मौका देख के वैदर किहो जिहा है। तो वड्डी खबर है हरजोत सिंह बैंस जो कि सिक्ख्या मंत्री ने उन्होंने लिखा है कि माणयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी के निर्देशों अनुसार सूबे के कुछ हिस्सों में पै रही संघड़ी धुंद अते मौसम तब्दीली कारण विद्यार्थी अते अध्यापकों की सेहत सुरक्षा के मद्देनज़र पंजाब सरकार वालों सूबे के सारी सरकारी एडिड मानता प्राप्त अते प्राइवेट स्कूलों के खुलण का समा सवेरे 9:30 बजे अते छुट्टी का समा 3:30 बजे कर दिता गया है। यह हुक्म सोमवार 4 दिसंबर 2023 तो 23 दिसंबर 2023 तक सारे प्राइमरी मिडल हाई और सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के एक सार लागू रहेंगे। तो वड्डी खबर है स्कूलों नू लैके, बच्चों नू लैके वड्डी खबर है,
बच्चों की सुरक्षा अध्यापकों की सुरक्षा को लेकर सूबा सरकार के वल्लों अहम फैसला लिया गया है।